रिसेंटली ये जेपेग फाइल 23.7 मिलियन डॉलर्स की बिकी है। क्यों? क्योंकि वो एक एनएफटी है। अमिताभ बच्चन एंड सलमान खान ने भी रिसेंटली अपनी एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करी है। फेमस हॉलीवुड एक्टर्स एंड सिंगर्स लाइक ग्रिम्स, जैक डॉर्सी एंड एमिनेम या तो अपनी एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च कर रहे हैं या एनएफटीज खरीद रहे हैं। कोका कोला, नाइकी, सैमसंग, एडिडास, लैम्बोर्गिनी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स अपनी एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च कर रहे हैं। एनएफटीज न्यूज हेडलाइंस पे आ रही है। एनएफटीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है एंड चांसेस आर कि आपने एनएफटीज के बारे में उसके प्राइस की वजह से ही सुना होगा। एंड यू माइट बी वंडरिंग कि एनएफटीज हैं क्या। हे फिनफार्मर्स, आई एम आर्यन मल्होत्रा एंड फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ एनएफटीज को ही डेडिकेटेड है। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। हमें एनएफटी की फुल फॉर्म से भी पता नहीं चल रहा कि एनएफटी है क्या। एनएफटी को समझने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं, नॉन फंजिबल एंड टोकन। नॉन फंजिबल इज समथिंग यूनिक जिसे आप किसी और के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन फंजिबल है। अगर मैं एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन के बदले ट्रेड कर लूं तो मैं दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकता, दोनों ही सेम है। लेकिन अगर मैं एक डेक ऑफ कार्ड्स की बात करूं तो वो नॉन फंजिबल है। क्यों? क्योंकि एक डेक में सारे कार्ड्स डिफरेंट होते हैं, सारे कार्ड्स ही यूनिक है। अगर मैं एक कार्ड के बदले दूसरा ट्रेड भी कर लूं तो दोनों कार्ड्स डिफरेंट ही होंगे। क्रिप्टोकरेंसीज में टोकन्स आर समथिंग जिनकी अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं होती, लेकिन वो एक नेटिव ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड रहते हैं। इथेरियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। इथेरियम एक क्रिप्टोकरेंसी है, लेकिन कंपाउंड, आवी, बैट, शिबा इनो इथेरियम पर बेस्ड टोकन्स हैं। इनकी अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन ये इथेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। अब दोनों टर्म्स को मिला दिया जाए तो एनएफटीज आर समथिंग यूनिक जिन्हें आप रिप्लेस नहीं कर सकते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ब्लॉकचेन पर स्टोर रहती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को यही लगता है कि एनएफटीज आर डिजिटल आर्टवर्क। नहीं, एनएफटीज कुछ भी हो सकती है। वीडियोस, म्यूजिक, फैशन, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, किसी इवेंट की टिकट्स एंड इवन आपके प्रॉपर्टी के टाइटल्स भी। आप वर्चुअली किसी भी चीज को एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है, एनएफटीज का इतना क्रेज है ही क्यों, या हमें एनएफटीज की जरूरत ही क्यों है? चलो मैं आपको एक आर्टवर्क आर्काइव की एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं। 11% ऑफ कलेक्शंस इन म्यूजियम्स आर फेक और फोर्जरी। एवरी ईयर फेक एंड फोर्जरी आर रिवील्ड इन पब्लिक म्यूजियम कलेक्शंस, प्राइवेट कलेक्शंस एंड गैलरीज। अनफॉर्चुनेटली फेक्स एंड फोर्जरीज विल ऑलवेज एग्जिस्ट। ये तो सिर्फ आर्टवर्क की बात होगी। चलो कोई एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अपनी लाइफ में शायद एक फेक प्रॉपर्टी टाइटल का केस जरूर सुना ही होगा। ये एक और बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, एंड शायद आपने कई बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। पुलिस बैक डेट जाकर FIR में चेंजेस कर देती है, एविडेंस मिटा देती है, या कभी कभार FIR ही गायब कर देती है। द बिटर ट्रूथ इज, हम इसे कितना भी डिनाई कर ले, ये एक्चुअल में होता है। मैं इस कागज पे कुछ भी लिख दूं, कितने भी स्टैम्प पेपर्स लगा लूं, इसकी एक फेक कॉपी बनाना मुश्किल नहीं है। एंड असली डॉक्यूमेंट और फेक डॉक्यूमेंट में आप डिफरेंस भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर यही FIR, यही प्रॉपर्टी टाइटल्स अगर NFT में होते तो कितना डिफरेंस रहता? और ये डिफरेंस मैं नहीं, ये आप बताने वाले हो ये वीडियो देखने के बाद। बोर्ड एप याच क्लब वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग NFT कलेक्शंस में से एक है, और ये उसी कलेक्शन की एक NFT है, एंड इसका प्राइस 888 ETH है, मतलब करीबन 2.5 मिलियन डॉलर्स। ऊप्स, ये क्या? मैं 2.5 मिलियन डॉलर्स की एक JPEG फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं जितनी बार भी चाहूँ एक डिजिटल फाइल से उतनी ही कॉपीज बना सकता हूँ। तो कोई भी फिर 2.5 मिलियन डॉलर्स क्यों ही खर्च करेगा जब उसे वो फ्री में मिल सकती है। NFTs आपको एक ऐसी चीज प्रोवाइड करती है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। हर एक NFT ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड रहती है, इसलिए हर एक NFT का एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर मैं इस डाउनलोडेड JPEG को वापस से NFT में कन्वर्ट करता हूँ तो इस नई NFT का एड्रेस अलग होगा, एंड कोई भी उसी एड्रेस की मदद से ये बता सकता है कि कौन सी फेक है एंड कौन सी ओरिजिनल। एंड सिंस NFTs ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड रहती है
तो उसी एनएफटी के प्रीवियस ओनर्स यहां तक कि क्रिएटर भी इजीली पता लगाए जा सकते हैं। एनएफटीज का क्रेज मेजरली मोनेटाइजेशन की वजह से ज्यादा है। अगर आप एक आर्टिस्ट और आप अपना आर्टवर्क बेचना चाहते हो तो आपके पास मेनली यही ऑप्शन होता था कि आप एक आर्ट गैलरी में जाकर अपना आर्टवर्क डिस्प्ले करो। उस आर्ट गैलरी में लिमिटेड लोग ही आते थे। लेकिन अगर आप वही आर्टवर्क एनएफटी में कन्वर्ट करके उसे OpenSea.io या Rarible जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करते हो तो वहाँ डेली लाखों की तादाद में लोग आते हैं। एंड जैसे ही कोई आर्टवर्क परचेज करता है तो बायर को आर्टवर्क एंड सेलर को पेमेंट उसी टाइम रिसीव हो जाती है। एंड इवन आर्टिस्ट अपनी एनएफटीज पर रॉयल्टीज भी सेट कर सकते हैं एंड उन आर्टिस्ट को रॉयल्टीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में एंड उसी टाइम रिसीव हो जाती है। सो एनएफटीज का पॉइंट है क्या? वेल, ये डिपेंड करता है कि आप एक बायर हो या एक सेलर हो। आप एक आर्टिस्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड ऑफ यू। आप अपने आप को एजुकेट करो कि एनएफटीज होती क्या है, आप कैसे अपने आर्टवर्क को एनएफटीज में कन्वर्ट कर सकते हो एंड कैसे उस आर्टवर्क को बेच सकते हो। ऐसी कई सक्सेस स्टोरी हैं जिनमें आर्टिस्ट ने एक साल में एनएफटीज के थ्रू इतना कमाया जितना अपने पूरे करियर में नहीं कमा पाए। आप एक बायर या एक कलेक्टर हो तो एनएफटीज बाकी स्पेक्युलेटिव एसेट्स की तरह ही है, जिसे लोग इस उम्मीद में खरीदते हैं कि ये वैल्यू में आगे जाके अप्रिशिएट होंगी। 2017 में जब क्रिप्टो पंक सीरीज इथेरियम पर लॉन्च हुई थी तो हर एक पंक आपको इजिली $50 से नीचे मिल जाता, लेकिन आज की डेट में हर एक पंक मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड हो रहा है। इवन जिस स्टूडियो में बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये लाइट्स, ये कैमरा, ये माइक, ये भी एनएफटीज की वजह से ही है। एंड 1% अगर आपकी खरीदी हुई एनएफटी वैल्यू में अप्रिशिएट नहीं भी करती तो आप उस एनएफटी को डोनेट करके कुछ सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। आपको फिनफार्म चैनल में बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए एनएफटी गाइड मिल जाएगी। एंड अगर आप यहां तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो को जरा पॉज करो एंड जाके लाइक बटन दबाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। करेंटली इथेरियम ब्लॉकचेन पर सबसे ज्यादा एनएफटी स्टोर्ड है। लास्ट ईयर 2021 में $23 बिलियन की एनएफटी ट्रेड हुई थी एंड लास्ट मंथ फरवरी 2022 में $6 बिलियन की एनएफटी ट्रेड हुई है। तो $23 बिलियन एक पूरे साल में एंड $6 बिलियन एक महीने में, तो हम इसके जरिए ये तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि एनएफटीज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है एंड एनएफटीज यहीं रहने वाली है। इवन टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के ओनर ने वर्ल्ड वाइड वेब का कोड एनएफटी में कन्वर्ट करके $5.4 मिलियन का बेचा है। जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ ने अपनी पहली ट्वीट एनएफटी में कन्वर्ट करके $2.9 मिलियन की बेची है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के एपिसोड में क्या डिस्कस किया। एनएफटीज आर समथिंग यूनिक जिसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ब्लॉकचेन पर स्टोर रहती है। हर एनएफटी का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। आप वर्चुअली किसी भी चीज को एनएफटीज में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने इस वीडियो में मेजरली आर्टवर्क पर फोकस किया, लेकिन एनएफटीज का स्कोप इससे कहीं ज्यादा है। एनएफटीज में पोटेंशियल है एक नई ब्लॉकचेन पावर्ड डिजिटल इकोनॉमी बनाने का एंड कई फील्ड्स में ऑलरेडी एनएफटीज यूज होना शुरू हो चुकी हैं, गेमिंग, डिजिटल आइडेंटिटी, लाइसेंसिंग एंड ऐसी कई इंडस्ट्रीज। ऑल राइट इनफार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही और कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करो जो एनएफटीज में अपना करियर बना सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।